आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर हो गई है, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पांच कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर केंद्रीय सुरक्षा बलों सीआरपीएफ की 2 प्लाटून के 72 महिला और पुरुष जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। गोरखपुर मंदिर में के सुरक्षा में तैनात जवान के ऊपर हमले के बाद जो प्रदेश भर के मठ हैं और तमाम मंदिर हैं उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसी क्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, जहां मुख्यमंत्री की जो पांच कालिदास आवास है उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके सरकारी आवास के ठीक बाहर जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है उसको 2 टुकड़ियों को लगाया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है वो 24 घंटे सीएम आवास के बाहर निगरानी करेगी। और वहीं इस प्लाटून की बात की जाए तो 2 प्लाटून में लगभग 72 महिलाएं तैनात हैं, और साथ ही साथ सीआरपीएफ की 233 बटालियन की अल्फा यूनिट भी है जिसमें महिला तैनात है। साथ ही बता दें कि दरअसल इन दिनों मुख्यमंत्री का जनता दरबार लग रहा है, और जिसमें यूपी के अलग अलग कोने से फरियादी आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और निदान को लेकर यहां पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के समक्ष। उन इन सब चीज़ों को देखते हुए कि कोई संदिग्ध या कोई ऐसा आपत्तिजनक चीज़ें ना हो, जिसको लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि अगर बात की जाए पहले पीएसी और जिला प्रशासन जो सीएम आवास थी उसकी निगरानी करता था, और जो अभी हाल ही में गोरखनाथ मंदिर में सिपाही पे हमले हुए हैं जिसको देखते के बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर अब सीआरपीएफ को सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन नीरज के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने पूछताछ के दौरान कई बात कबूले हैं, जहां जांच एजेंसियों के दावे के मुताबिक उसका कहना है कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, सीएए एनआरसी भी गलत है। बस इसी गुस्से में उसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। फिलहाल मुर्तजा से लखनऊ में कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन किया गया है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर भी जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन मौके पर पुलिस फोर्स ने उन्हें रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार को जमकर घेरा। देश में बढ़ते महंगाई को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर है जिसपे लिखा है जब से भाजपा आई है देश में महंगाई आई है। इसमें आप साफ तौर पे देखें तो अगर देश में बात की जाए तो विगत 15 दिनों में 13 बार 80 पैसे की जो हर दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, और साथ ही साथ विगत 15 दिनों के अंदर में 10 रुपये ईंधन के दाम बढ़े हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कमर्शियल सिलेंडर जो है उस पर 250 रुपये
का इजाफा किया गया है। वहीं अगर देखें तो घरेलू गैस पर 50 रुपए का इजाफा किया है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी यहां प्रदर्शन कर रही है। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां सैकड़ों की संख्या में है। मुकेश जी आज जिस तरह से भाजपा की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, इस तरह से 16 दिन में 12 रुपए बढ़ा दिए हैं पेट्रोल और डीजल पे, रसोई गैस पे दाम बढ़ा दिए हैं, पीएनजी और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इसे तत्काल वापस ले। आज कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन घेराव करने के लिए जा रहा था महंगाई के मुद्दे पे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के निर्देश पे। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगा। यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज भी किए जा रहे हैं, जो उग्र प्रदर्शनकारी हैं, जो महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से धीरे धीरे जो प्रदर्शन है वो उग्र हो रहा है और लाठियों के सहारे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोका जा रहा है। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस, अगर बात की जाए तो इस महंगाई का जो प्रदर्शन है इसमें साफ तौर पर प्रमोद तिवारी के अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन से साफ तौर पर सरकार को जो जगाने की तैयारी की जा रही है महंगाई को लेकर वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो आज देश में बढ़ते महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन का पहला दिन है जिसमें साफ तौर पर महंगाई को लेकर सरकार को जगा रही है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। कांग्रेस को महंगाई को लेकर देशव्यापी जो प्रदर्शन चल रहा था, लखनऊ में जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें अब जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है साथ ही साथ उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ मोना है, बढ़ते महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया। सर आज आप लोग यहां पार्टी कार्यालय से और राजभवन तक जाना था मगर आपको रोक दिया गया, क्या कहेंगे? मैं इसे अलोकतांत्रिक कदम मानता हूं। ये अहंकार में डूबी भाजपा सरकार जब महंगाई बढ़ रही जिसमें सभी पीड़ित, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए आम आदमी पर डाका डालना, अगर इसके लिए हम राज्यपाल के पास जाएं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी इसको रोक रही? हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए था। फिर इतना साहस था तो ये महंगाई आप तब बढ़ा लेते जब चुनाव चल रहे थे। चुनाव तक तो आपने धोखा दिया, 10 रुपए कम किया, महंगाई बढ़ा रहे हैं आप, तो ये विश्वासघात है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। अच्छा, आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे महंगाई को लेकर? आज आपको रोका गया, बैरिकेटिंग की गई और लाठीचार्ज भी, उसमें क्या हुआ? देखिए, लाठीचार्ज जो बरबर हुआ है वो गलत हुआ है, हर हाल उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और आगे की लड़ाई कैसी रहेगी? लोकतांत्रिक ढंग से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ाई चलती रहेगी। तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये महंगाई की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। कानपुर नगर में इस वक्त भू माफियाओं का आतंक जारी है। बरछे स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चारों तरफ बने 3 बीघा का तालाब पर कब्जा कर लिया गया। लगभग 100 वर्ष पुराने तालाब में कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। वहीं इस मामले में भू माफिया विष्णु यादव उर्फ पंगू और अन्य सहयोगी का नाम सामने आया है। इसके साथ ही कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारी और लेखपाल की साठगांठ भी मामले में सामने आई है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 जब से बनी है, तब से भू माफियाओं पे लगातार नकेल कसी जा रही हैं। और जैसे जिला प्रशासन के आदेश, डीएम को आदेश करा गया है कि जो भी तालाब, सरकारी तालाब जो भी कब्जे हैं उनको कब्जा मुक्त कराया जाए। आपको पता चले ये कानपुर का बर्राछा का प्राचीन तालाब है जो कि 100 साल पुराना पूर्व तालाब था। यहाँ पे बंजारे आके रहते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कानपुर की बारह देवी मैया, जो कि बारह देवी मंदिर के दरबार बना हुआ है जूही में। उन लोगों से जो भी मिलने वाले थे, जो उनके घर के लोग थे, उनके द्वारा बनाया गया इसी तालाब में ये मंदिर था। इस तालाब में लोग पहले नहाते थे और नहाने के बाद इस मंदिर में दर्शन करते थे। और आज ये जो है 3.5 बीघे का तालाब जो है भू माफियाओं द्वारा कब्जा है। इन भू माफियाओं
पंगू यादव उर्फ विष्णु शुक्ला और विवा सचान के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके बावजूद भी और इससे पहले कुछ माह पहले इसका ध्वस्तीकरण भी किया गया था, दोबारा फिर पुनः कब्जा कर लिया गया है। अब देखना यह बचा है कि जिला प्रशासन कितनी कार्रवाई करता है, शासन ने कितनी बात सुनता है। कैमरा पर्सन करण शर्मा के साथ उपेंद्र अस्थाना। कानपुर देहात में शिवली पुलिस मुख्यमंत्री के सुशासन को पलीता लगा रही है। दरअसल थाना शिवली ग्राम देवीपुर में एग्जाम देने के लिए छात्राएं घर से निकली थी, जिसके बाद गांव के ही दबंग आशीष कुमार ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। वहीं छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्राओं के साथ मारपीट की, जिसमें पीड़िता को चोटें आई। वह इस मामले पर पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस वालों ने न तो FIR लिखी और न ही पीड़िताओं को मेडिकल कराया। सर मैं जा रही थी पेपर देने, तब गांव का एक लड़का मुझे छेड़ता था, पहले भी 10-15 दिन पहले भी छेड़ा उसने। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे मारा और छेड़छाड़ करने लगा, बहुत मारा, इतना मारा कि मैं गिर पड़ी गाड़ी से, मेरे आदमी चोट भी आई, कान से खून निकलने लगा और छेड़छाड़ भी करने लगा। किस तारीख की घटना है? 4 तारीख की सुबह 7 बजे की, और जब मारने की धमकी दे रहा था, बोल रहा था तुम्हारे पापा चाचा कोई भी आ जाए मैं पेपर नहीं देने दूंगा तुमको। 4 तारीख का पेपर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया आप लोगों ने, शिकायत की पुलिस से? एक लड़का हमारे गांव का बहुत दबंग है सर, इतना दबंग है कि कोई अब कठेरिया है सभी दबंग है सर। अच्छा, क्या नाम है? आशीष कुमार नाम है सर। अच्छा हाँ, क्या घटना क्या हुई? घटना सर ये हुई कि हमारी बेटियां जा रही थी, ये रास्ते में पीछे से गया सर और इन पे वार कर दिया हाथ से, मोटा ताजा है सर, बहुत मोटा है। बेटियां कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी पेपर देने सर, 7 बजे। अच्छा, तो क्या किया इन लोगों? इन लोगों ने बिटिया को मारा भी सर, इतनी छेड़ खानी की, बिटिया इतनी रो रही थी सर कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बिटिया मेरी कह रही कि हम आत्महत्या कर लेंगे, जब तक न्याय अगर हमें नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे, बताओ बाबूजी हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेके। खबर बिजनौर से है, जहां योगी बाबा के बुलडोजर का असर दिखना शुरू हो गया है और प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर हत्यारोपी द्वारा किए गए ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को ध्वस्त कराया। वहीं आरोपी ने दिनदहाड़े राशन डीलर को गोली मारकर उसकी हत्या की। बता दे वहीं पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के और अपराधियों में भी खौफ का माहौल पैदा हो गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, करीबन 2 हफ्ते पहले राशन डीलर सुहेड़ी बुजुर्ग ग्राम तहसील बिजनौर के राशन डीलर देवेंद्र जी जो थे, उनके हत्याकांड के बाद जो मुख्य आरोपी थे राम बहादुर सिंह, इनका हमने जो बना हुआ एक घेर बना हुआ था उसको हमने देखा, तो उसका ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा था और ये वृक्षारोपण की भूमि थी, तो इसमें बकायदा तहसीलदार सदर के न्यायालय से धारा 67 की कार्रवाई करके आज इसको कब्जा मुक्त कराया गया JCB के द्वारा तोड़वा कर, और पंचायत ग्राम पंचायत को और ADO पंचायत को सुपुर्द किया। थैंक यू। वहीं हमीरपुर में सैकड़ों पत्रकारों ने जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि पेपर लीक मामले में पत्रकारों ने बलिया प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे वापसी की भी मांग की है। बलिया में पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ है, उन्होंने सूचना भेजी, अच्छी खबर छापी, उस पर उनको जो है बंद कर दिया गया, FIR करके 3 लोगों को जो है बंद किया गया। उसी के खिलाफ जो है हम लोगों ने जो है ये ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि मुकदमा वापस हो और उन लोगों को भी वाइजत बरी किया। बलिया में 3 पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, खबर छापने का पत्रकारों को इनाम मिलता है, फिलहाल यहाँ पर उनके ऊपर उल्टा FIR दर्ज कर दी गई है। पेपर लीक मामले में उन्होंने जो वहाँ के प्रशासन था उसको सूचना दी,
सूचना के बाद वहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसमें पत्रकारों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई। हमारी मांग है कि पत्रकारों की जो एफ आई आर हुई है उनको वापस लिया जाए और जिले भर के पत्रकारों की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाए। खबर बलिया से है जहां पेपर लीक मामले में तीन पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और नाराज पत्रकारों ने मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना भी दिया। उसी दौरान पत्रकार लेने पहुंचे प्रदीप कुमार को देखते ही गो बैंक का नारा लगाया गया। वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि जिस तरह मोदी जी ने कोरोना काल में लोगों को जागरूक किया उसी तरह देश के मीडिया को हम जागरूक करें और निर्दोष पत्रकार के लिए खड़े हों। जिस तरीके से पत्रकारों के साथ ही दुर्व्यवहार कर रही है, अत्याचार कर रहा है प्रशासन बलिया का, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, देश की मीडिया को भी जागरूक करने के लिए कल हम लोग ताली और थाली का प्रोग्राम किए हैं, जिसमें ताली और थाली की आवाज़ से जिला प्रशासन जो चिर निद्रा में सोया है वो जागे और अपनी गलती का एहसास करे और हमारे निर्दोष पत्रकारों को रिहा करें। मेरठ में गौशाला के जमीनी विवाद को लेकर एक गौ सेवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मेरठ के थाना रसूरपुर क्षेत्र के पांचली बुजुर्ग इलाके की है, जहां देर रात हथियारों से लैस हमलावरों ने गौशाला पर हमला कर दिया, जिसमें नेत्रपाल नाम के गौ सेवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हारून को दिल्ली रेफर कर दिया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। गाँव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, तो वही मौके पर पहुंची फोरेंसिक की टीम ने हत्या से जुड़े साक्ष्य इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। पीड़ित परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल रात में थाना सरूरपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना संज्ञान में आई थी। वहाँ पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और वहाँ पता चला कि एक चरागाह की जमीन का विवाद है, जहाँ पे एक गौशाला बनी हुई थी और उसके चक्कर में एक व्यक्ति को गोली मारी गई। आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और एक व्यक्ति घायल है। इसमें सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एफआईआर दर्ज भी कर ली गई, जिसमें 6 लोग नेम्ड कराए गए हैं, उसमें से 5 की गिरफ्तारी हो गई है। अभी प्रथम दृष्टया चरागाह की जमीन का विवाद ही सामने आ रहा है, आगे सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर श्रावस्ती से है जहां मलीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की गई 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें पुलिस ने चोरों को मलीपुर के देवरनिया नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया है। थाना मलीपुर पुलिस द्वारा 3 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिसमें से 3 मोटरसाइकिल श्रावस्ती जनपद से चोरी की हैं और शेष पड़ोसी जनपदों से चोरी की गई हैं। इनके द्वारा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में रैकी की जाती है पहले, और जो मोटरसाइकिल बाई चांस कभी चाबी लगी हुई छोड़ के कोई ओनर चला गया या फिर ये मास्टर की से खोल के उसको चोरी करके ले जाते हैं। खबर कानपुर से है, किसानों की गेहूं की फसल में आग लग गई है, तो वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि 11,000 वोल्टेज की लाइन में पच्ची जलकर खेत में गिर गया, जिसकी वजह से फसलों में आग लग गई। वहीं सूचना के 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाने का काम किया। साथ ही नायब तहसीलदार ने घाटमपुर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। लगी है बिजली से उठ कब चिड़ई मारी है, गिरी है सोई आगे एकदम उलाल आ गई, आगे चिड़ई थी लड़ी। कितने खेत जले? हाँ, खेत कितने जले? खेत तो 50 बीघा के लगभग जलो हुई है। एट कहूँ हमारे एट कहूँ हमारे 2 बीघा वालों। अच्छा, क्या कितने देर बाद कैसे आग पर काबू पाया? आगे का लड़का था बना छनबाले डटे है तब काबू पाया, मशीन बहुत लेट आई है। प्रशासन को ले आवा मां गांव जट्टो हड्डी की तरह से लाई हुई है बड़ा छनबाले लड़का। अच्छा, बिजली से लागी, हम इस मौके पे चना उड़ा रहे हैं तो चिड़ई गिरी है, जल गया ये। तो हमारा चना 3 बीघा के भर गए, गेहूँ भर गए, चिड़ई वही तो खम्भा से गिरी है, बस आगे बढ़ लग गए। कितने पूरे टोटल खेत कितने चले होंगे? 50-60 बीघा भर गए। कितने का नुकसान हुआ?
नुकसान तो साहब बहुत है ही है, 50-60 बीघा का मान लो 10 क्विंटल का औसत समझ लो। अधिकारी तो सब का आया अपन खाना पूर्ति भय है, गाड़ी बहुत देर में आई है पानी वाली। गांव और घटवा हमारे मिल के मतलब उसे बड़ा छनते और पानी डाल के बम्बी में भरो रहा है, उसे आगे बुझाई गए। इनके मशीन बहुत देर में आई है, आग लगी लाइट से। कितने बीघे करीब कितना नुकसान हुआ? 35 बीघे। क्या पुलिस की यहाँ पे कार्रवाई? पुलिस की पुलिस बहुत लेट आई, FI फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई और पानी लाई 100 लीटर। 100 लीटर से ज़्यादा इनके गाड़ी में पानी नहीं था, ये लोग आए इसके बाद पहले पानी भरा, इसके बाद इन्होंने गाड़ी चलाई है। ठीक है, आग लगने का कोई कारण अभी तक? लाइट। कितनी फसल लगभग जली? 35 बीघे। खबर कानपुर से है, जहां पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर जारी है। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को रौंदा और मौके पर बाइक सवार पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक ने मौके पर पकड़कर उसको हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। साथ में ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया। यह पूरा मामला रायपुरवा थाना क्षेत्र के अफीम कोठी चौराहे का है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए कि बहुत दुखद घटना, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक हमारे जो होमगार्ड के वो थे वीरेंद्र सिंह करके जवान थे, तो उनकी मृत्यु हो गई है। ये जो एरिया है, ये जो अगर हम देखा जाए तो झकरकट्टी से अफीम कोठी के बीच का है। एक ट्रक, जैसा कि तस्वीरें लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ट्रक जो जा रहा था उसके लेफ़्ट साइड में पीछे वाले टायर में आ गए थे, उनका डिसबैलेंस हो गया था और उसकी वजह से हुआ है। बाकी हमने उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो उनके उच्चाधिकारी हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट के उनको ही बता दिया गया है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी, जो भी संभव मदद जो उनके उच्चाधिकारी से बात करने में बताया गया है कि ये रहने वाले साढ़ जो उनका आई कार्ड मिला है साढ़ है, ये कानपुर आउटर में है, वहाँ पे वहाँ के रहने वाले थे और जो इनकी ड्यूटी थी ये नरवल तहसील में लगी हुई थी। वहीं गाजियाबाद पुलिस की गई कार्रवाई को बदमाशों ने चुनौती दी है। दुकान पर बदमाशों ने लूट की कोशिश में नाकाम होने पर सुनार को गोली मार दी। जहां एक तरफ पुलिस मुठभेड़ करके अपनी छवि सुधारने में लगी है, तो वहीं बदमाशों के हौसले बुलंद है। गाजियाबाद में व्यापारियों के लिए भय का माहौल बना हुआ है। बता दें कि पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जाँच के आदेश दिए है। जी, और आते ही उन्होंने हेलमेट वगैरह रखा, उसको मास्क बांध रखा, पीछे बैठा, लेकिन कॉलेज के बच्चे होते हैं, आते ही वो बोले कि निकाल दे यहाँ से रिवाल्वर को, पट्टा निकाला और उन्होंने जो करा मेरे उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में मेरा लड़का वहाँ बैठा था, वहाँ से यहाँ चला तो उनने हाथ झटका, उनने उसको गोली मारी। ये किसी को गोली लगी है? मेरे बेटे को लगी है। आपके बेटे क्या नाम है उनका? विकास। सर घटना तो ये ऐसा है कि मेरे को तो गोली की आवाज़ तब बाहर आया एकदम, फटाफट देगा ये भाग रहे तो मैं तो फटाफट स्कूटर पे उठा के ले गया। अब कौन थे जिनके गोली लगी? पड़ोसी। हमको लगभग 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी, यहाँ पे सियानी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत राकेश मार्ग में एक यहाँ पे बनवारी लाल ज्वेलर्स है, उनके दुकान में दो बदमाश आया है जो हेलमेट वगैरह पहन के आया था और उन लोग आके अंदर उनसे बातचीत कर रहा था। उस समय आपस में वहाँ पे बात होने से तुरंत एक आदमी ने जो दुकान का ओनर है उन्होंने हाथ पकड़ा था, उन्होंने तुरंत गोली चलाया था। वहाँ पे उनके साथ बैठा था उनका लड़का है, उनका लड़का का गोली लगी है पेट पे, अभी हॉस्पिटल एडमिट है, उनका हॉस्पिटल एडमिट है, उनका गोली पार हो गया। अभी डॉक्टर साहब से बात किया हम लोगों ने, जो लड़का अभी आउट ऑफ डेंजर है, उनके जान का खतरा से बाहर है। अभी बाकी चीज़ अभी उनका घटना का दुकान में कोई लूट किट नहीं हुआ है, वो दुकानदार कह रहे हैं उनके साथ कोई सामान वगैरह लेके नहीं गए हैं, फिर भी हम लोगों ने पूरा हर एंगल में हम इसकी जाँच करेंगे। खबर देवरिया से है, जहां एक मोहल्ले में दलित छात्र की दबंगों ने पहले जमकर पिटाई की, उसके बाद पुलिस से मिलकर पहले सुलह का दबाव बनाया, जिसके बाद भी थाने में पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वहीं पीड़ित दर्द से कराहता रहा और न्याय की गुहार लगाता रहा, जिसके बाद पीड़ित घायल निराश होकर देवरिया पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीपति मिश्र के पास पहुंचा, जहाँ उसे न्याय की एक उम्मीद जगी। और उसके दोनों लड़के और बिट्टू पाड़े थे और पप्पू पाड़े और अन्य भैया कई लोग थे, 7-8 लोग मिल के मारे हैं। लड़की किसी और के साथ भागी है, बस संपूर्ण जान के मारे के साथ में हम लोग घूमते थे, इसके बाद भैया मारे थे जिसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है। कहाँ मारे? तो हम भैया अपने घर के पीछे थे, वहाँ पर फ़ोन से बात कर रहे थे जाने के लिए, कहीं नहाने के लिए मऊआ पाटन,
वहाँ से खींच कर ले जाकर मेरे घर के पीछे अंदर बंद करके मार रहा हूँ। मोबाइल भी ले लिया, तो गाड़ी भी छीने, तो माला भी नोच लिया, मेरा चांदी का माला था वो भी नोच लिया। फदी फदी का भैया बोलते रह गए, कह रहे उसकी मम्मी को घुमाने लेकर गए थे, लड़की लड़के की मम्मी को कहीं नहीं लेकर भैया हम गए थे, खुद मंदिर भी हम गए थे घूमने के लिए। क्या नाम है, कहाँ के रहते हैं? रामनाथ दूरी है वार्ड नंबर 13 के। खबर औरैया से है, जहां वर्तमान में सीएनजी के पंपों पर गैस की आवक कम हो रही है, जिससे सुबह से ही पंपों के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और ऑटो के अलावा चारपहिया वाहन चालक भी कतार में लगे हुए देखे जा सकते हैं। वहीं वाहन चालकों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने रहने के बावजूद उन्हें गैस उपलब्ध नहीं होती है। बता दें कि वर्तमान में सीएनजी की आवक जनपद में कम हो रही है, जबकि सीएनजी चलित वाहनों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से न शहर में ऑटो के चलने में भी कमी दिखाई दे रही है। पिछले तीन दिन से लगातार सीएनजी लेने जा रहे हैं, दिन में दो दो तीन तीन चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सीएनजी नहीं मिल रही है। क्या कारण है इसका? एक तो कहते हैं सीएनजी है नहीं, गाड़ी आएगी कब मिलेगी, और दूसरा इतनी गाड़ियां वहां लगी हुई हैं, दोनों तरफ हाईवे पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। आज आप सुबह गए तो लगभग कितनी गाड़ियां थी पंप पर? सुबह 6 बजे गए तो लगभग 500 ऑटो और करीब 150 बड़े वाहन, मतलब फोर व्हीलर और ट्रक भी खड़े थे वहाँ। जी नहीं मिलेगी तो मजबूरी में पेट्रोल से चलानी पड़ेगी। सीएनजी और पेट्रोल के दामों में इतना अंतर है? सीएनजी यहाँ मिलती है लगभग 75-76 रुपये लीटर में, और पेट्रोल 104 रुपये। सीएनजी में लगभग 25 का एवरेज है बैंगलोर में, और पेट्रोल पे 18 का एवरेज है। अम्बेडकर नगर में आग का तांडव देखने को मिला है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र दौलतपुर एकसारा गांव में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखा अनाज समेत सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों व फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। हम लोग गेहूँ काटने गए थे, आग लगा तो जानकारी हुआ, तो आज बुझाए हम लोग। कितने का नुकसान हुआ? अरे नुकसान तो बहुत हुआ था, साइकिल थी दो, ठेला था, उसी में गाड़ी घोड़ा था, लेकिन गाड़ी तो बच गई, अनाज था गेहूँ चावल ये सब जल के रख। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर गुटखा उधार मांगने पर पड़ोसियों में जमकर मारपीट शुरू हुई। आपको बताते चले कि पीड़ित की परचून की दुकान है, दुकानदार ने पड़ोसी युवक को उधार देने से मना कर दिया तो युवक ने उसके परिवार ने पीड़ित दुकानदार से मारपीट शुरू कर दी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया और मौके पर दबंग पड़ोसी फरार हो गया। बता दें कि पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जाँच के आदेश दिए हैं। ये जो उधार लेने आया था आपका पड़ोसी है क्या? हाँ पड़ोसी है, अशोक नाम है। अच्छा, हाई मेंबर है। पिछले पैसे वो भी ना दिए। कितने पैसे हैं पिछले? पैसे उन्हें करीब 700 रुपए। ठीक है, आगे क्या हुआ? फिर उसने क्या हुआ, किसी ने मना कर दिया, लोगों ने साले देगा कैसे नहीं। फिर गाली गलत चालू कर दी, इसने मना करा, इसकी घरवाली बैठी थी, इसकी घरवाली से भी बदतमीजी करने लग गया। किसकी घरवाली है वो? उनकी घरवाली। क्या नाम है उनका? नीरा देवी। फिर उसका भाई आ गया जो मेंबर है, मारो सालों में। वो मौजूदा मेंबर है? हाँ मौजूदा मेंबर, वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर। फिर क्या हुआ? उसके लड़के थे दो, वो भी आ गए। फिर मैं आया मारा, क्या है आपको उन्होंने? अच्छा, और ये आपकी कमर पे निशाने की क्या है? डंडे। डंडे कितने लोग थे टोटल? वो चार लोग, चारों लोगों पे हथियार और डंडे थे, महिला भी साथ में थी। एटा में वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिनव दुबे ने बताया, स्वास्थ्य शरीर सुखद जीवन का आधार होता है और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारी दिनचर्या, खान पान, हमारे आसपास का पर्यावरण आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह इस मौके पर जिला चिकित्सालय एटा पर हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में रक्तचाप, मधुमेह, हीमोग्लोबिन, मुख कैंसर स्क्रीनिंग समेत तमाम बीमारियों की निःशुल्क जाँच की गई। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और विश्व स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का जो थीम है वो हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। ठीक है, तो हमारा ग्रह हमारे स्वास्थ्य के तहत अगर हम अपने ग्रह की रक्षा बहुत अच्छे से कर पाएंगे, प्रदूषण और बहुत सारे कारणों को अच्छे से कंट्रोल में रख पाएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा और उत्तम रहेगा।
उसी के तहत आज ये बृहद कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोगों के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।